Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिसिन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। मुंबई की साकिनाका पुलिस ने ड्रग्स माफिया ललित पाटिल मामले में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 16 लोगों को साकिनाका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब में टाटा के देश के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्लांट की नींव रखी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस प्लांट का शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिन 88 नामों की नई लिस्ट जारी की है, उनमें 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। गुजरात में अहमदाबाद से बेलगाम जा रही बस में भीषण आग लगी। बस में 16 यात्री सवार थे और सभी को सुरक्षित निकाला गया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर को लेकर इसरो चीफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चांद की सतह पर रोवर फिर से एक्टिव हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना के जगतियाल में किसानों के साथ बैठक करेंगे और आनमूर और निजामाबाद सहित अन्य जगहों पर कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। वह दौसा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार को एक प्रशिक्षण विभाग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक पायलट घायल हो गया। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। इन पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात पर प्रकाशित तीसरी पुस्तक इग्नाइटिंग कलेक्टिंग गुडनेस मन की बात जल्द लॉन्च हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन साहिबाबाद से दुहार के बीच 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो दक्षिणी लेबनान के पास सीमावर्ती शहर किरियत शमोना के निवासियों को हटा रहा है, क्योंकि दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। हार्दिक पांड्या भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे। अगर वे फिट नहीं हुए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से बाहर हो जाएंगे। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 45 वर्षीय मराठा आरक्षण कार्यकर्ता ने बृहस्पतिवार तड़के कथित तौर पर अपनी जान दे दी और अपने सुसाइड नोट में समुदाय के लोगों से इस मुद्दे के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने दावा किया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर को पार कर गया है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने एमपीए की जलवायु कार्य योजना को लागू करने की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के कलाकारों के भारत में काम करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल अजित पवार गुट की एनसीपी ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी घोषणा की है। पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बच्चों में श्रवण हानि के कारणों के पीछे वैधानिक अनुसंधान की वकालत की, साथ ही उन्होंने इसको लेकर समाज में जागरूकता पैदा करने की बात भी कही। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की फिल्म गणपत का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। आज ये इंतजार खत्म हो गया है और गणपत सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मैच में शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 57 रन बनाए। गिल के इस परफॉर्मेंस पर सारा तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल हो रहा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बेसिन न्यूज। नमस्कार।